ये वीडियो है जी, एक जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, सबने देखी होगी वैसे, मगर मैं इस पे थोड़ा तबसरा करना चाह रहा हूँ। की बनी हुई तलवारें मौजूद हैं, एक बार कटिंग है बहुत अच्छे। हाँ तू भी काट देखा, वाह वाह वाह, तू शाबाश, चल हाँ ए देखा तू, तेरे को भी ये निकल, तू कर देगा, वाह ओए तेरे को कौन ही नाई तलवार। अच्छा अच्छा तू समझ को ये दसो है ए एक की के बनाई है, किस लिए? काफिरों की गर्दने उड़ानी है, मतलब कोई भी काफिर मिल गया तो आप लोगों ने उसका वो सर कलम कर देना है, और उसके बदले में क्या मिलेगा आप लोगों को? जन्नत मिलेगी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओ वह शेर अली गाले इसे अली मुमताज गुरमानी वाला शेर। अच्छा एक कहते अली तलवार जी तू चाहिए खड़ोते हैं अरतरुल, वो कौन है? हाँ दस दस जवानी है खैर है। वो बहुत अच्छे हुए ते वो मुसलमान है वो भी मैं काफरानियां गिछियां के पेंदा है सारा नहीं जेड़ा हाथे आ गया जन्नत वास्ते। अच्छा ठीक ठीक ते अगर ए देखा तू तलवार अपने दिखावे, ए चेक करो जी ए तलवार बनी हुई है ठीक है, ए अली तू दिखावे, सही 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 सही, ए ए ए दी तलवार है ए बहुत अच्छी, ए ए चंगी वाली तलवार है जी, इस दे नाल ना असां काफरानियां किचियां लाहवणियां तू दिखा रहे ए बहुत अच्छे ए उते ए इन्होंने नाम भी लिखा हुआ है उसका अर्तुगरुल गाजी के पता नहीं। हाँ ये देखें ए ये तलवार ए इतना गाटा लाए वैसी काफिर दा अच्छे बहुत अच्छे। हाँ अल्लाह तो जी ये हाल है ठीक है के अब छोटे छोटे बच्चों को पहले इस पाकिस्तान के अंदर जो है ना कहीं इधर फिर रहे हैं जो कि जी ओ जी हमने उसामा बिन लादेन बनना है और जी हमने ये फलां जहाद करना है ये करना है वो करना है, अब ये अर्तुगरुल गाजी बनेंगे सारे के सारे। अफसोस की बात है, ये हंसने की बात नहीं है, वो मतलब मैं जिस जिस शख्स ने वीडियो बनाई है वो भी बेसिकली अफसोस ही कर रहा है मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैं समझा, क्योंकि देखें हम भी बचपन में वो थंडर कैट्स देखते होते थे, वो उसकी तलवार होती थी, हम भी कोई इधर उधर यूं कर लेते थे, मगर कभी ये नहीं था कहा कि मैंने काफरों की गर्दनें उड़ानी है, मैंने फलां की गर्दनें उड़ानी है। मतलब बात यह है कि इस उम्र का बच्चा जो कि जिसकी उम्र 10 से 11 साल है, ये सारे कोई 6 का था, कोई 8 का था, कोई 10 का था, कोई बड़ी हद है कोई 12 का होगा, अब इनके जहन में क्या चीज़ बन रही है, हमने काफरों की गर्दनें उड़ानी है, किस लिए उड़ानी है? कि जन्नत के लिए उड़ानी है। यानी इमरान खान ने बड़ी तारीफ की है इस अर्तुगरुल ड्रामे की, ये जो भी है कैरेक्टर, और बेसिकली इमरान खान तो ऐसे लग रहा है कि ये जियाउल हक का भी बाप निकला है। मतलब मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये बंदा जो कि पूरी जिंदगी वेस्ट में रहा, प्लेबॉय ये रहा, हॉलीवुड की मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के साथ ये डेटिंग करता रहा, शराब के जाम इसके हाथ में होते थे और ये फिर रहा होता था, ठीक है, इसके बाजू में एक 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 औरत होना कोई बात ही नहीं थी, कभी किसी कोई इसकी गर्लफ्रेंड है, कभी कोई इसकी गर्लफ्रेंड है, खुद इसकी एक बेटी है जो कि आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुई है, और आज ये इस्लाम का सिपाही बना हुआ है। मतलब मसला ये है कि पहले मैं समझता था कि इस्लाम लोगों को मुनाफिक बनाता है, जाहिर बात है बनाता है, वो भी समझने वाली बात नहीं है, मगर बात यह है कि इस्लाम मुनाफिकों का कितना काम आता है, यानी हिपोक्रेट्स है ना ये सारे, करना कुछ है दूसरों के लिए कोई बात करनी, और इमरान खान ने तो मतलब अब ये लोगों को कह रहा है मैं रूहानियत की यूनिवर्सिटी खोलूंगा, मैं रूहानियत का डिपार्टमेंट बनाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, यार व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, आप क्या चाहते हैं, आप इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? पहले ही आपने खुदकश हमलावर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए हैं, आपकी जो है ना वो फिर इसके बाद ये क्या है कि जी इन्होंने कभी ये जाते हैं इधर उधर छुरी छुरी मार के आ जाते हैं किसी को, कभी क्या कर देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है, तो
अब मतलब और क्या चाहते हैं बाप, मतलब ये आगे फर्ज करें कि शायद ये इन 10 बच्चों में से 8 बच्चों में से कोई तो होंगे जो के बड़े होंगे तो इस बात को सीरियस नहीं लेंगे, भूल जाएंगे, बस खत्म हो जाएगी बात, ठीक है। मगर कुछ ऐसे भी होंगे जो कि बड़े होंगे और वो पक्के और जिहादी बन जाएंगे, जिनके जहन में इस वक्त से ये सब्त कर दिया गया है, वो क्या कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बातें होती हैं, ये कौमों को बिगाड़ने और कौमों को बर्बाद करने का काम किस तरह किया जाता है वो पाकिस्तान कर रहा है, कि जब नेशनल टीवी पे इस तरह की चीजें चलाई जाएंगी जिसके अंदर हर वक्त ये नारा लगाया जाएगा काफिरों की गर्दन में आनी है, काफिरों को मार देना है, ये, और फिर ये इस टीवी सीरियल की वजह से पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के खिलाफ एक बड़ी खास नफरत पैदा की जा रही है, क्योंकि वो सारी की सारी लड़ाई जो है वो तुर्कों की, जो ग्रीक क्रिश्चियंस के साथ उनकी लड़ाई है, वही दिखाई जा रही है, ठीक है। और उसमें मुसलमानों को मजलूम ही मजलूम दिखाया जा रहा है, हालांकि जारी बात है कि ये पावर प्ले में दोनों तरफें एक जैसी होती हैं, तो क्या हो सकता है जी, ये सब कुछ बर्बादी का पेश खेमा है, और बर्बादी के पेश खेमा जो ये है ये क्या करेगा इन द एंड, ये क्या करेगा, ये सब कुछ तोड़ के रख देगा और हम देखते रह जाएंगे, ठीक है, हम बस बिल्कुल देखते हुए ही रह जाएंगे, और पाकिस्तान जिधर है उससे भी कहीं और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये अजी क्या किया जा सकता है, ये चीजें हैं, और जब इतनी छोटी उम्र के बच्चे ये काम शुरू कर दें तो फिर क्या हो सकता है, सब कुछ बर्बादी की तरफ ही जाता है।